नमो नमः बच्चों, आज हम क्लास सिक्स में व्याकरण का अध्ययन करेंगे और व्याकरण के अंतर्गत हम लोग संख्या का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए संख्या हम लोग देखते हैं। संख्या एक से चार तक की जो संख्या है वह तीनों लिंगों में पृथक पृथक चलती है। जैसे एक को पुल्लिंग में एका बोलते हैं, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे। एक है तो संस्कृत में एक को पुल्लिंग में एका, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। दो को पुल्लिंग में बोलते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। तो स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में दोनों को द्वे द्वे बोलते हैं। तीन को पुल्लिंग में त्रयः, यदि हमें जैसे बोलना है कि तीन बालक हैं तो त्रयः बालकः, तिस्त्रः त्रिस्त्रः, तीन लड़कियां हैं तो त्रिस्त्रः बालिकाः, इस तरीके से बोलेंगे, है ना। त्रीणी नॉन लिविंग में त्रीणी, तीन फल हैं तो त्रीणी फलानी, इस तरीके से। चार को संस्कृत में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्त्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारी, है ना। इसके बाद पाँच से लेकर के सौ तक की जो संख्या है उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द होता है। जैसे पाँच है तो पाँच को पंच, छः को षठ, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नव को नव, दस को दस, उसके लिए फिर एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक से चार तक की जो संख्या है संस्कृत में तीनों लिंगों में वह पृथक पृथक से चलती है। इसके पश्चात यहाँ पर अभ्यास है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे सूर्या पुल्लिंग है तो यहाँ पर एका, यहाँ पर एक से स्टार्ट कर रहे हैं। धारा स्त्रीलिंग एका, है ना। नक्षत्रम एकम, अब दो की संख्या में आते हैं। दो मयूर है ना, मयूरव तो दो मयूरव। तितलिके द्वे, नेत्रे द्वे। भल्लूकाः, तीन भल्लूकाः हैं तो इसमें आ की मात्रा और विसर्ग लगेगा। त्रयः भल्लूकाः, है ना। कलिकाः तो तिस्त्रः, और मित्राणी त्रीणी। यहाँ पर कच्छपाह भी आ की मात्रा और विसर्ग, इसमें मिसप्रिंट है, है ना। तो चत्वारः कच्छपाः। मालाः, चार मालाएं दिख रही हैं जो, तो आ जाएगा इसमें चतस्त्रः मालाः, पुष्पाणी चत्वारी पुष्पाणी। तो इस तरीके से एक से चार तक की संख्या आप सभी को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ से ये कुछ अतिरिक्त कार्य है, ये भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जैसे पुस्तकानी है, सचित्र है तो दिक्कत नहीं आएगी। पाँच है तो संस्कृत में पाँच को पंच बोलते हैं। घटिका है, छः घड़ी है तो छः को संस्कृत में षट बोलते हैं। सात मुर्गे हैं तो मुर्गे को कुक्कुट बोलते हैं तो सप्त, है ना। आमराणी आठ आम है तो अष्ट। पत्राणी कितने पत्ते हैं, नव, नौ तो नौ को संस्कृत में नव। शुकाः, शुक अर्थात तोता, तो यहाँ पर दस को दस ही बोलेंगे, है ना। नक्षत्राणी ग्यारह हैं तो ग्यारह को संस्कृत में एकादश नक्षत्राणी। वृक्षाः, विसर्ग आ जाएगा, वृक्षाः कितने वृक्ष हैं, बारह, तो बारह को संस्कृत में द्वादश बोला जाता है। इसके बाद कुछ यहाँ पर अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं, है ना। ये अभ्यास कार्य आप लोग देख लीजिए। नानी भवंती तो कितने दिन होते हैं, सप्तानी हम लोग लिखेंगे, सात को सप्त बोलते हैं। पांडवाः आसन, ये बहुत सारे बच्चों ने देखा सुना होगा कि पांडव कितने थे, पांच, तो इसको पंच। वेदाः संति, वेद कितने होते हैं, चार, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। सिंहौ गर्जतः, सिंहौ द्विवचन का है तो दो को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया था पुरलिंग में द्वौ। तो इस तरीके से हमें अभ्यास कार्य भी करना है। नंबर फिफ्थ में सैनिकाः रक्षन्ति, यहाँ पर अष्टादश या अष्टादशाः तो अठारह को सिर्फ अष्टादश ही बोला जाता है। बालकः एक वचन का है तो एक वचन में अभी हमने पढ़ा था, क्या बताया था, कहा। हस्ते अंगुलियाः भवन्ति, हाथ में उंगलियाँ होती हैं, तो पंचः या पंच, तो आएगा सिर्फ पंच। पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं। चत्वारः या चत्वारी, तो यहाँ पर आ जाएगा चत्वारी। पत्रम पत्रे पत्राणि, तो यहाँ पर आएगा चत्वारी, है ना। इसके बाद लिखा हुआ है चित्रे, सा चित्रे पश्यति, चित्रे है तो यहाँ पर आ जाएगा द्वे, नॉन लिविंग है। और नंबर 10
टेंथ लास्ट में लिखा है महिलाः भ्रमन्ति, तो महिलाः स्त्रीलिंग का शब्द हो गया, तो स्त्रीलिंग के लिए बहुवचन का शब्द है, तो तीन के लिए स्त्रीलिंग में क्या बोला जाता है, तिस्त्रः, तो फर्स्ट वन आ जाएगा इसमें तिस्त्रः। तो इस तरीके से सभी बच्चों को अभ्यास कार्य भी करना है। यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए एक अलग से अभ्यास दिया है। अभी तक हमने जो पढ़ा ओवरऑल एक से लेकर के चार तक की संख्या के अभ्यास हैं। आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के आधार पर उनको पहचान करके आपको यहाँ पर संख्या का प्रयोग, उचित संख्या का प्रयोग करना है।